भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलाए जाने वाले गांधी स्मृति कमल पद यात्रा का शनिवार को समापन हो गया, जिसके तहत भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने गोलघर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से पद यात्रा निकाला और पार्क रोड स्थित बिस्मिल पार्क पहुंचा, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके यात्रा का समापन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित ये पदयात्रा हम लोगों ने हर जन तक केंद्र और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को, खास तौर से हम लोगों ने महिलाओं से हम लोग मिले और महिलाओं का इतना बड़ा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रही है, कह रही है आज तक कोई भी सरकार था जो हम लोगों के लिए नहीं सोचा था। किसने सोचा था गरीबों को, किसने सोचा था कि माताएं धुएं में खाना बनाएं, चाहे वो घर में ना रहें, शुद्ध चूते हुए घर में रहें, या वो अपनी इज्जत के लिए जाके खेत खलिहान में जो अपने शौचालय ले जाती थी उसके लिए किसने सोचा था, किसने सोचा था कि महिलाओं के लिए खाता खुले, अपना 2 पैसा हो चाहे 4 पैसा हो उसे वो रखें, और तो और महिलाओं को आगे बढ़ा के महिलाओं को योजना के तहत कि महिलाओं का सम्मान हर घर में हो, और पुरुष जो महिलाओं को पीछे करके आगे बढ़ते थे आज अपने घर की महिलाओं को ही आगे बढ़ा के और उसे उनके नाम को, पुरुष लोग इसके लिए नाराज ना हो, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं लेकिन महिलाएं आज प्रसन्न और कह रही हैं कि महिलाओं को, महिलाएं कह रही हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिवा किसी सरकार ने हमारा सम्मान इतना उचित नहीं किया, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पुत्रों को, हमारी पुत्रियों को एक आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को का नाम ऊंचा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ने किया, और तो और हमारे कहने के पहले ही वो महिलाएं कहती हैं आगे आएगी तो मोदी सरकार, बढ़ेगी तो मोदी सरकार, आगे होके देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी सिर्फ मोदी सरकार। 19 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है, रिकॉर्ड मतों से विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाला है भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का, और आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि ये 15 दिवसीय जो हम लोगों का पदयात्रा था आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे सभी ये कार्यकर्ताओं के, कर्मठ कार्यकर्ताओं का आपने देखा है कि कदम कैसे बढ़े हैं, कर्मठ कार्यकर्ता कभी निराश नहीं हुए हैं, जीत की तरफ अपना कदम बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर 1 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक पूरे प्रदेश में एक साथ पदयात्रा का कार्यक्रम तय करके और जनता से सीधे मिलने का कार्यक्रम नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश दिया था। इसी क्रम में अपनी भारतीय जनता महानगर की इकाई, हमारे जो 70 वार्ड हैं, पूरे 70 वार्ड में सुबह और शाम मिला करके हम लोगों ने जनता से संपर्क किए, लाभार्थियों से भी हम लोगों ने मिलने का काम किया है, जनता की समस्याओं को भी हम लोगों ने सुना है और यथासंभव त्वरित निस्तारण कराने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता निश्चित तौर पे जब से ये सरकार अपनी बनी है मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, विकास के पथ पे सतत प्रयत्नशील जो सरकार ये काम कर रही है उन उपलब्धियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता हैं, ये जा करके और ज़मीनी रूप से जनता से सीधे मिलने का कार्यक्रम तय करते हैं। पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आए हैं, इस कार्यक्रम में भी 1 तारीख से लेकर के जो हम लोगों ने प्रारंभ गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रारंभ किए थे, आज उसका समापन है। कल हम लोगों ने व्यापार मंडल में भी, गोलघर में भी घूमने का काम किया था और सीधे व्यापारियों से मिलने का भी काम किया था। हर वर्ग के लोगों से हम लोगों मिले हैं और जितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमें प्रसन्नता है इस बात को कहने में, या समापन के अवसर में इस बात को दावे के साथ कह सकता कि जनता के साथ, जनता में भी जो उत्साह हम लोगों को देखने को मिला है
निश्चित तौर पे हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि 2019 में पुनः मोदी जी देश की बागडोर संभालेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। आज समापन के अवसर पर हम लोग काली मंदिर में शहर विधानसभा जो अपनी हमारी ग्रामीण विधानसभा है वो भाजपा कार्यालय बेनीगंज पर एकत्रित हुई है और हमारा जो ये शहर विधानसभा है वो काली मंदिर एकत्रित होकर के हम लोग गोलघर होते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के मूर्ति पे आकर के हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और आज इस पदयात्रा का समापन किया है और अपनी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है और जनता से और कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने अपेक्षा की है कि उनका आशीर्वाद मांगा है कि देश के बागडोर पुनः मोदी जी संभालें और देश अपना शक्तिशाली बन सके।